हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग इसका मीनिंग, टाइप्स, डिग्रीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जांपल्स सब चीज़ जानेंगे। तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज का तो लिंक्स है, साथ में पीपीटी का भी लिंक है जिसका सिर्फ 10 रुपये वैल्यू है। अगर आपको जरूरत है यार उसको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, जिसमें कि हम लोग पूरा मतलब समझेंगे, डिग्रीज, टाइप, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे यार। और साथ में पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो यार सिर्फ 10 रुपये दे करके डाउनलोड कर सकते हो आप, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब चलो एक एक करके जल्दी समझना शुरू करते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तोड़ते हैं मोनोपोली का मतलब क्या है भाई। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है जो कि पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका डिमांड, उसका सप्लाई, उसका प्राइस, सारी चीज़ें वो बंदा सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करता है, जस्ट बिकॉज कि वो इकलौता सेलर है उस प्रोडक्ट का उस मार्केट में, ठीक है। तो वही मोनोपोली मार्केट होती है और उस बंदे को मोनोपोलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली का क्या मतलब है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली का मतलब है कि भाई एक ही जगह पर एक ही प्राइस आप अलग अलग बंदे को अलग अलग प्राइस दो, ठीक है। एक ही सामान का अलग अलग प्राइस दो या फिर अलग अलग सामान का एक ही प्राइस दो, ठीक है। किसी को अच्छा सामान आप दे रहे हो वो भी 100 रुपये में, किसी को घटिया सामान दे रहे हो वो भी 100 रुपये में, ठीक है। तो दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीके से भेदभाव, एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है कि भाई आपको कुछ और प्राइस दे रहा हूँ, उसको कुछ और प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। अब ये बेसिक मैंने बता दिया यार, होता क्या है इन मोनोपोली, देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड मोनोपोलिस्ट, द मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई डिसीजंस, दस सेट्स प्राइस इन अ वे सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अर्न्ड। अब यार बिजनेस है तो ऑफकोर्स ये बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट हर कोई अर्न करना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मोनोपोली जो मार्केट है वो एक तरीके से बुरा है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है भाई कि कहीं भी मोनोपोली का मार्केट क्रिएट हो, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक रेलवेज एंड डिफेंस, जहाँ पे आप नहीं चाहते हो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सेम प्राइस फॉर द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि या तो आप एक ही सामान के अलग अलग प्राइस लो अलग अलग कस्टमर से, या तो आप अलग अलग सामान के एक ही प्राइस लो, ठीक है, अलग अलग कस्टमर से सेम केस में, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग लोगों के भाषा में, स्टिगलर, डूली ने, अलग अलग जेस बेंस ने अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब सबके सेम निकल के आते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। समझते हैं भाई टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली, पर्सनल, ज्योग्राफिकल और ऑन द बेसिस ऑफ यूज। है क्या भाई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ कॉमन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज बाय अ मोनोपोलिस्ट हैविंग डिस्क्रिशनरी प्राइसिंग पावर। अब प्राइसिंग पावर भी एक अलग टॉपिक है यार, उसको अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो बेसिक क्या है भाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा कॉमन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो कि एक मोनोपोलिस्ट, जो उसकी मोनोपोली चल रही है जिस मार्केट में वो अकेलौता बंदा है प्रोडक्ट को बेचने वाला, तो वो क्या कर रहा है, वो भाई मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो अपना अलग अलग सामान को अलग अलग रेट में बेच रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज उसके पास वो डिस्क्रिशनरी प्राइसिंग पावर है, क्योंकि वो उस प्राइस को अपने से सेट कर सकता है जो भी वो चाहे, ठीक है, जस्ट बिकॉज की कॉम्पिटिशन ही नहीं है। दिस स्ट्रैटेजी इज प्रैक्टिस बाय द मोनोपोलिस्ट टू गेन मार्केट एडवांटेज और टू कैप्चर मार्केट पोजिशन। या तो वो मार्केट का एडवांटेज देने के लिए यार आगे करता है कि, या तो फिर पूरे मार्केट का कैप्चर करने के लिए ऑफकोर्स ये बातें करता है, ठीक है। अब तीन टाइप के आते हैं बेसिकली, एक होता है पर्सनल, ज्योग्राफिकल और ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तीन टाइप्स के आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बंदे टू बंदे को डिफर करते हैं, ठीक है, हर एक बंदे के लिए अलग आप अपना प्राइस रखते हो, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है भाई, बच्चा आया तो अलग प्राइस दे दिया, बूढ़ा आया तो अलग प्राइस दे दिया, लेडी आई तो अलग प्राइस दे दिया, जेंट्स आया तो अलग प्राइस दे दिया, दैट इज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बंदे टू बंदे इंडिविजुअली डिफर कर रहा है आप किसको क्या प्राइस दे रहे हो, ठीक है। सेकेंड आता है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल यानी कि लोकेशन टू लोकेशन डिफर कर रहा है, यानी कि आप किसी एक बंदे को, अगर मान के चलो कि आप किसी को दिल्ली में कोई एक प्राइस दे रहे हो, बॉम्बे में दूसरा प्राइस दे रहे हो, ठीक है। मान के चलो दिल्ली में ही एक जगह पे, मान के चलो आप लाजपत नगर में अलग सी रेट है और आपका सदर में या फिर सरोजनी में अलग रेट है, ठीक है। तो ये क्या, ये भी आपको ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट हैं आपको, ठीक है। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ में यानी कि जिस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है उस तरीके से प्राइस आपको दिया जा रहा है, यानी कि जो बंदा सामान बेच रहा है उस सामान को यूज़ करने का तरीके पे आपको डिपेंड कर रहा है भाई कि बंदा उस प्राइस को क्या सेट कर रहा है, ठीक है।
occurs when different prices are charged according to the use of a product. For instance, an electricity supply board charges lower rates for domestic consumption of electricity and high rates for commercial consumption. ठीक है, अब ये भी एक तरीके से मोनोपोली है। आप बोल लो कि सर ये तो बिजनेस का तरीका है भाई कि डोमेस्टिक को गवर्नमेंट सस्ते में देती है, सब्सिडी देती है, ये वो देती है, और जस्ट बिकॉज कि यार जो कॉमर्शियल है वो बिजनेस कर रहा है उस चीज़ से तो उसको ज़्यादा मांगती है। लेकिन दैट इज़ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भाई। ऐसा क्यों है कि आप हाउस होल्ड वाले को सस्ते में दे रहे हो और बिजनेस जस्ट बिकॉज उसे पैसे कमा रहा है तो अल्टीमेटली आप उसे ज़्यादा में चार्ज कर रहे हो। दैट इज़ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड जस्ट बिकॉज की कोई और सप्लायर नहीं है वहाँ पर तो इसीलिए मोनोपोली चल रही है भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर की भी, जो भी आपको गवर्नमेंट वहाँ पर दे रही है आपकी पहुंचाने वाली जो भी है आपके पास पावर, तो वो भी एक उस तरीके से उसका मोनोपोली चल रहा है वहां पर। ठीक है, ये हो गया टाइप्स। दो मतलब अपन ने समझ लिया, एक मीनिंग समझ लिया और एक दूसरा टाइप समझ लिया। थर्ड आता है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब तीन डिग्रियां होती है भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप ध्यान से समझना। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैज बिकम वाइड स्प्रेड इन ऑलमोस्ट एवरी मार्केट इन इकोनॉमिक जागन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और यील्ड मैनेजमेंट। द डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेन्स इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, अलग अलग डिग्रियाँ अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं यार क्या है तीन डिग्रियाँ रेफर क्या करते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मतलब समझते हैं एक-एक करके कि भाई तीनों डिग्रीज का क्या क्या मतलब है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस द मैक्सिमम प्राइस दैट ईच बायर इज विलिंग टू पे। यानी भाई एक बंदा को देख करके जितना समझ में आ रहा है कि भाई सबसे ज्यादा से ज्यादा ये प्राइस पे करने को तैयार हो सकता है उतना उसके ले लेना है। यानी कि एक तरीके से भाई जितना काट सकते हो उतना काट लो। ठीक है, दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि जितना बंदे से निकल सकता है एक पर्टिकुलर सेलर बायर से आप उतना निकाल लेते हो। यानी कि आपको बंदा अमीर लग रहा है तो आप उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हो, आपको गरीब लग रहा है मालूम है ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा तो यार 500 का रेट है मेरे को 100 रुपये कॉस्टिंग है 200 में ही दे दो तो दे दो। ठीक है, लेकिन जो आपको लग रहा है ये पैसे निकाल सकता है तो 500 का भाई 700 मांगो, हो सके 600 में ही निकल जाए। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड आती है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अब सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम दीज ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर विलिंग टू पे। रेलवेज एंड एयरलाइंस प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, एक सिंपल सेट ऑफ लोग है जिनको आप अलग अलग ग्रुप्स में बांट दे रहे हो और आप उस पर अब प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि भाई कौन सा ग्रुप कितना पे कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार कि आप एक तरीके से आप यहाँ पे ये भी समझ लो कि रेलवेज में भी आप अभी देखोगे तो डायनेमिक प्राइसिंग चलती है। ठीक है, कि आप कितने समय पर आ रहे हो उस पर डिपेंड करता है भाई कि प्राइस क्या है। अगर आप अभी से 6 महीने की टिकट करा रहे हो तो यार एक सेपरेट प्राइस है, अगर उस डेट पर लोग ज़्यादा बुक कर रहे हैं तो क्या होता है प्राइस बढ़ा दी जाती है। सेम रेलवेज के साथ भी है, सेम रेलवेज में डायनेमिक प्राइसिंग आ गई है और इसके अलावा ये एयरलाइंस में पहले से प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, ज्यादा लोग आते हैं एक टिकट एक दिन के लिए टिकट बुक करने को तो प्राइस बढ़ा दी जाती है। ठीक है, दैट इज अ टेक्निक ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड डिग्री क्या कहता है भाई कि अलग अलग ग्रुप्स में बांट करके जो आप लोगों को अलग अलग चार्ज करते हो, मान के चलो कि यार कोई बंदा सेपरेट है, कोई अलग बंदा है। ठीक है, ओल्ड एज वाले हैं, आप रेलवेज में भी देख लो ओल्ड एज वालों को अलग कंसेशन है। ठीक है, जो कोई सेपरेट कोटा है अलग है। ठीक है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है अलग है। ठीक है, अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, मैं कुछ इसमें कहने की बात नहीं कही सही है गलत है, उस टॉपिक पर मत ले जाना। ठीक है, बस ये एक तरीका है सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कि सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब लास्ट है भाई थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री गलत सेंस में नहीं लिया जाए। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द एंटायर मार्केट इनटू सब मार्केट्स एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज इन ईच सब मार्केट। देयरफॉर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, होता क्या है भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अलग अलग एक मार्केट को आप अलग अलग सब मार्केट्स में डिवाइड कर रहे हो और उसके बाद उस सब मार्केट में भी अलग अलग प्राइस आप चार्ज कर रहे हो उन सारे सब मार्केट से। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू सेगमेंट मार्केट इन अ मैनर सो दैट प्रोडक्ट सोल्ड इन वन मार्केट कैन नॉट बी रीसोल्ड इन अनदर मार्केट। ऐसा नहीं हो भाई कि आप एक सामान एक मार्केट को बेचो फिर वही जो बायर था वो दूसरे मार्केट में आ जाए वही सामान बेचने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर ओवर ही और शी शुड आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट सब मार्केट्स। द ग्रुप्स आर डिवाइडेड according to age, sex and location. For instance, railways charge lower fares for senior citizens and students get discounts in historical monuments. यही चीज मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, ये भी एक तरीके का price discrimination जो कि third degree price discrimination में आता है। आप अगर ताजमहल देखने चल जाओ तो as a normal Indian citizens हम लोग के लिए एक separate price है और foreigners के लिए एक अलग separate price है। ठीक है,
अलग इंटेंशन है, अलग मोटिव भाई किस लिए किया जा रहा है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन ये एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। फॉरेनर्स के लिए अलग लिया जाता है, इंडियंस को अलग दिया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ है, आप अगर कभी कोई म्यूजियम चल जाओ, अब वहाँ पे स्टूडेंट का आईडी कार्ड दिखाओगे एक अलग प्राइस है, नॉर्मल एक अलग प्राइस है, ठीक है। रेलवेज में भी जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, कोटाज अलग, आप अगर वीआईपी पर्सन हो यू नो तो अलग, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ही ले करके जाती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल आपको सारे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके अलावा हम लोग बेसिक बात कर सकते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, लेकिन इसके लिए ऊपर मैं आप ही लोग के ऊपर छोड़ूंगा यार, इतना चीज़ समझने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है भाई कि इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्यों फायदेमंद है, और अगर हो रहा है तो क्यों गलत है वो चीज़, ठीक है। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और नीचे कमेंट में बताना यार, बाकी ये लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़ लेना, यहाँ भी पढ़ में आ ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको करना है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो यार, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना यार, मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।